आज हिमाचल प्रदेश का 54वां राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस मंडी जिला के धर्मपुर में धूमधाम से मनाया गया। इस समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की और इस दौरान राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह की शुरुआत सीएम ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी के साथ की। समारोह के संबोधन की शुरुआत सीएम ने हिमाचल प्रदेश निर्माता एवं प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को याद कर की। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार का प्रदेश के लिए योगदान ऐतिहासिक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनसेवा के सेवा के लिए हम सत्ता में आए हैं और सत्ता संभालते हुए जन कल्याण और हिमाचल को समृद्ध राज्य बनाने की दिशा की ओर कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगले 10 वर्षों में देश के सबसे अमीर राज्यों की सूची में हिमाचल प्रदेश को शामिल किया जाएगा। वहीं नगर पंचायत संधोल व धर्मपुर में डीएसपी कार्यालय खोलने की घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए की सौगात धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र को दी। देखिए, मेरा ख्याल है कि आजादी के बाद और हिमाचल बनने के बाद पहली बार धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में जो चंद्रशेखर जी ने हमसे अनुरोध किया, हमने अपना पूर्ण राज्यत्व दिवस 54वां बनाया और भारी संख्या में हमारे प्रेस से लोग आए। क्षेत्र के विधायक ने जो हमारे पास मांगे रखी, हमने पूर्णतया उन मांगों को मान लिया है और इनकी मुख्यतः मांग में डीएसपी का ऑफिस धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में खोलने का था। कुछ और जो मांगे थी वो भी हमने स्वीकार कर ली है। इन्होंने अपनी एक जो लिस्ट है उसको हमने स्वीकार किया है। हमारा प्रयास है कि हमारा एक कार्यक्रम सरकार गांव के द्वार भी चल रहा है। इस प्रकार के जो आयोजन हैं वो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ ज़्यादा किए जाए। धन्यवाद सर। हमने कहा है उस पर अमल हो रहा है, सब जगह अमल हो रहा है और जहाँ जगह उपलब्ध है, जैसे हमीरपुर में 5 परिवार थे तो उन 5 परिवारों को हमने जमीन उपलब्ध करवाई। इसी प्रकार और जिलों में जहाँ भी जमीन उपलब्ध है उनको उपलब्ध करवाई जा रही है और जहाँ भी जैसे जगह देने का तो कुछ भी कम नहीं, वैसे भी प्रोग्राम कर रखा है।